महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनानी। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में रैलियों का चारों ओर जोर है, दावों और वादों का शोर है। ऐसे में शुक्रवार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे महायुति के गलियारों में सियासी गर्मी बढ़ गई है। खासकर शिंदे गुट के तो कान ही खड़े हो गए हैं, क्योंकि वैसे तो महायुति और महाविकास अघाड़ी का सीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन मोदी और शाह ने अपनी रैलियों में जो बयान दिया है, उससे इशारा मिल रहा है कि शायद इस बार शिंदे सीएम फेस नहीं होंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने एक खास शख्स पर फोकस कर लिया है। सुनिए मोदी का बयान और उनका इशारा। और जब भी जिस दिन मैं वाढ़वन पोर्ट के शिलान्यास के लिए आया था, उस दिन हमारे देवेंद्र जी ने पब्लिक में एक इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह बन रहा है, मोदी जी इतना सारा कर रहे हो, हजारों करोड़ लगा रहे हो, तो वहां एक एयरपोर्ट भी बना देना। जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। सुना पीएम मोदी ने क्या कहा? चुनाव बाद पीएम मोदी देवेंद्र जी की इच्छा पूरी करेंगे, ये कहीं इशारा तो नहीं? महायुति का सीएम फेस इस बार बीजेपी खेमे से होगा, और देवेंद्र फडणवीस से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? और अभी भी आपको शंका हो तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सुन लीजिए। मैं महाराष्ट्र में डेढ़ महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूँ। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना। बीजेपी के दिग्गजों की ये हुंकार सुनी, महायुति की सरकार बनानी है और देवेंद्र फडणवीस को जिताना है। मोदी और शाह के बयानों पर मायने क्या हो सकते हैं? क्या सीएम पद पर फडणवीस की दावेदारी को समर्थन है? ज्यादा सीटें मिली तो सीएम पद पर दावे की रणनीति? क्या गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति है? सीएम पद पर भ्रम की स्थिति बनाकर वोट पाने की कोशिश है? महायुति में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति है? मोदी शाह ने फडणवीस के लिए जो इशारा कर दिया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस बार एकनाथ शिंदे सीएम फेस नहीं होंगे, जो शिंदे गुट के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। फडणवीस पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े का बयान सामने आया है, जिन्होंने फिर दोहराया है कि चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा। सभी को पता है कि ये जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। महायुति एक साथ है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार एकजुट है और आने वाले इलेक्शन जीतेंगे, और उसके बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम शिवसेना के कार्यकर्ता है तो हम यही उम्मीद करेंगे कि एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री बने रहे। अब शिंदे गुट चाहे जो कहे, मोदी और शाह ने फडणवीस को लेकर जो बयान दिए हैं, उससे तो महायुति में बड़ा खेल होना तय माना जा रहा है। बहरहाल फडणवीस के लिए मोदी और शाह ने जो कहा, उसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके बताएं। और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।